हे गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं हैप्पी न्यू ईयर वाली फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसे आप स्क्रीन में फोटो देख रहे होंगे, अगर आप भी इस तरह अपनी फोटो एडिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप कितनी कम समय में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैं इसमें बैकग्राउंड और PNG यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, अपने भाई को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर रख लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद हमें ऊपर ऑल फोटोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारी फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाती है। अब यहाँ से हमें एक बैकग्राउंड ले लेना है, तो मैं ले लेता हूँ एक बैकग्राउंड को। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ले लिया। अब हमें यहाँ पे एक PNG ऐड करना है। PNG ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड फोटो का, हम यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से मेरे फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाती है। अब यहाँ से मैं एक PNG को ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं PNG यहाँ पे आ गई है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है हमको ब्लेंड का, हमें ब्लेंड पे क्लिक करना है। इसको लाइटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपनी फ़ोटो ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने इरेज कर रखा, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर रखा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज कर लेना। अगर आपको इरेज करना नहीं आता तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख कर आप फोटो को इरेज करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर इस फोटो को इस तरह से यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। और उसके बाद हमें फिर ये जो ऊपर वाली PNG, इसको यहाँ पर जो मॉडल है इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो मैं इसको इस तरह से सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें देख सकते हो PNG यहाँ पे सेट हो चुका है। उसके बाद हमें दोबारा फिर ऐड फोटो पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमें 2021 का PNG ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस PNG को ले लिया, इसको इस तरह से ऊपर को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको रख देता हूँ। उसके बाद फिर हमें ऊपर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर दोबारा ऐड फोटो पे क्लिक करना है। और यहाँ से हमें एक स्नो वाली PNG को ऐड कर, तो मैं स्नो वाली PNG को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्नो वाली PNG ले ली। उसके बाद हमें साइड में यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक करना है, इसको स्किन पे क्लिक कर देना और उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से। और उसके बाद हमें यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जितना हमारे फेस में जो ये स्नो आ रही है हमें इसको इरेज कर देना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों, हमारे फेस में जो स्नो आ रही थी एकदम रेज हो चुकी है। उसके बाद टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर फिर दोबारा टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट का, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है कलर का, लास्ट में यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन मिलता है कलर रिप्लेस का, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा, आपको यहाँ कहीं पर भी इसको इस तरह से छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो रिप्लेस व्यू है इसको हमको कम ज़्यादा करके जो कलर इसमें आपको अच्छा लगता है उस कलर को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर को रख देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस कलर को रख दिया। उसके बाद मिनिमम ह्यू को हल्का सा आपको कम करना है इस तरह से, और मैक्सिमम ह्यू को हल्का सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको हल्का सा इंक्रीज़ कर देता हूं। उसके ऊपर टिक के आगे में क्लिक कर देता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यू ईयर वाली हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, वो भी बहुत ही कम समय में। अगर आप भी इस फोटो को इस तरह एडिट करें तो आपकी फ़ोटो बहुत ही औसम लगेगी। तो दोस्तों, आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस तरह की नई फोटो एडिटिंग सीखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ में जुड़कर मेरे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं बोलूँगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।